Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. अच्छे दिनों की शुरुआत हो गई है, या कहें कि अच्छे दिनों की कॉल आ गई है, अच्छे दिनों की घंटी बज गई है, क्योंकि टेलीकॉम इंडस्ट्री के लिए कहा जा रहा है, खासतौर पर भारत की तीन टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो, भारती एयरटेल और वोडाफोन, क्या इनके अच्छे दिन शुरू हो गए हैं। तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी केयर एज का कहना है कि ये जो अभी इन्होंने अपने टैरिफ बढ़ाए हैं तीनों ने एक के बाद एक, पहले जियो ने शुरुआत की जहां से उम्मीद कम की जा रही थी, उसके बाद एयरटेल ने बढ़ाया और उसके बाद वोडाफोन ने भी बढ़ा दिया। वोडाफोन यानी VI, वोडाफोन आइडिया मोबाइल VI के नाम से जाना जाता है, लेकिन ज़्यादातर लोग अभी वोडाफोन नाम लेते हैं क्योंकि नाम में शुरुआत में वो जुड़ा हुआ है। तो 15% का उछाल इससे हो सकता है इस इंडस्ट्री की ब्लेंडेड आरपू में। आरपू होता है एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, यानी प्रति यूजर एक कनेक्शन पे कितनी कमाई होती है उसका जब एवरेज निकाला जाता है वो कहलाता है आरपू, और उसमें 15% का की बढ़त आ सकती है। ब्लेंडेड आरपू क्या है? तो ब्लेंडेड मतलब कोई मिक्स चीज नहीं है, ये है कि एवरेज मान लीजिए उसे भी कि एक डेली आरपू, मंथली आरपू, एनुअल आरपू, इसको जब एक साथ देखा जाता है उसका एक मिश्रण बनेगा या एवरेज निकलेगा तो उसको कहेंगे ब्लेंडेड आरपू। यहाँ केयरएज कह रही है कि इस इंडस्ट्री के लिए एक पॉजिटिव है, जो काफ़ी समय से अपना जो इन्वेस्टमेंट है उसका, उस पर अच्छा रिटर्न नहीं मिल रहा था, उसे रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड की परेशानी से जूझ रही थी, इसके बोझ में दबी हुई थी कि हमें 5G की वजह से और स्पेक्ट्रम लेने की वजह से काफ़ी खर्चा करना पड़ा है इस इंडस्ट्री को, और उसके मुकाबले उसको सामने पैसा नहीं मिल रहा है। टेलीकॉम के कंज्यूमर इस राय से इत्तफाक रखेंगे कि नहीं, एक अलग सवाल है। वो उपभोक्ता को लग रहा है कि लगातार हमें ठगा जा रहा है, हमारे बिल बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन इंडस्ट्री के प्लेयर और इंडस्ट्री के एनालिस्ट और उनके जो शेयर धारकों की तरफ से जो बाजार के एनालिस्ट खड़े होते हैं उनका भी लगातार ये कहना था कि साहब यहाँ आरपू बढ़ना बहुत ज़रूरी है, रेवेन्यू बढ़ना ज़रूरी है, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगी। और मुश्किल एक जगह तो साफ दिख रही थी, वोडाफोन आइडिया में, बाकी दोनों कंपनियां ऐसी मुसीबत में नहीं दिख रही थी। लेकिन अभी पिछले साल का जो आरपू था वो 191 रुपये, एक कंज्यूमर पर एवरेज 191 रुपये मिल रहे थे। ये रेवेन्यू है, ध्यान रखिए, ये प्रॉफिट नहीं है, ये रेवेन्यू है, ये आमदनी है, यानी इतना पैसा आया, ये मुनाफा नहीं है। और इनका कहना है कि अब ये जो आरपू 191 रुपये पे था ये 220 रुपये तक जा सकता है 15% के उछाल के साथ, 2024-25 का जब वित्त वर्ष खत्म होगा वहाँ। तो इसके साथ जो कमाई है जिसको कहते हैं PBILDT, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट लीज डिप्रिसिएशन एंड टैक्स, इसको ग्रॉस प्रॉफिट पुराने ज़माने में कहा जाता था, अब उसके अलग अलग तरह के नाम आते जा रहे हैं, तो ये कमाई भी, ये मुनाफा भी 20-22% तक बढ़ सकता है। अब इसके बाद किसकी कितनी लीज है, कितना डिप्रिसिएशन है, कितना टैक्स है, वो हिसाब लगा के इसमें और कमी आ सकती है, लेकिन वो कटौती के बाद जो नेट प्रॉफिट होगा उसमें भी जाहिर है अगर यहाँ 20-22% बढ़ेगा तो वहाँ भी कमी नहीं आएगी। और इसीलिए कह रहे हैं कि ये इस इंडस्ट्री के लिए एक तरह का स्ट्रक्चरल पॉजिटिव है, और 1 रुपये का जो इंक्रीज आरपू में होगा, एवरेज रेवेन्यू में 1 रुपये की बढ़त, इस पूरी इंडस्ट्री को लगभग PBILDT में, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट लीज डिप्रिसिएशन एंड टैक्स में, 1000 करोड़। आपको लग रहा है 1 रुपया एक आदमी पे, वहां इंडस्ट्री को मिल रहा है 1000 करोड़ रुपया। तो अगर 15-20 हज़ार रुपये इसमें बढ़ते हैं तो कितना बढ़ गया, आप हिसाब खुद लगा लीजिए। और इसीलिए अब ऐसा लग रहा है इससे जो कंपनियां हैं इनको अपने को डिलीवरेज करने में, यानी कि थोड़ा कर्ज का बोझ कम करने में, साथ में टेक्नोलॉजी बढ़ाने में, नेटवर्क एक्सपेंशन में, नई सुविधाएं जुटाने में मदद मिलेगी। और इसीलिए अब ये लग रहा है इनको कि इस साल इन कंपनियों में जो कर्ज का लेवल है वो कम होगा, और साथ में ये आगे जाके और कम होगा, केपेक्स बढ़ेगा, केपेक्स यहाँ बहुत ज़रूरत है, तमाम 5G के रोल आउट जो होने हैं, और उसके बाद अगला G आ जाएगा, हमने 2G, 3G, 4G, 5G सब देख लिया है, तो आगे कितने G आएंगे पता नहीं है, किस किस G का सामना करना है इस इंडस्ट्री को, तो उसके लिए ये तैयारी कर रहे होंगे। और अभी जो
स्पेक्ट्रम का ऑक्शन हुआ है उसमें बहुत ठंडा जो रुख इंडस्ट्री की तरफ से दिखाया गया है वो अगली बार शायद न रहे, क्योंकि इंडस्ट्री में अगर जान आएगी, नया उत्साह का संचार होगा, तो फिर उसका असर हर तरफ दिखाई पड़ेगा। और इसीलिए अब ऐसा इनको लग रहा है कि आगे वाले जो प्लेयर्स हैं, आगे आने वाले समय में इन प्लेयर्स को ये फायदा दिखाई देगा, टेलीकॉम सेक्टर सस्टेनेबल होगा, ये जो प्लेयर्स हैं इनके लिए रास्ता थोड़ा आसान होगा, और इसके सामने अब जो लोग टेलीकॉम के शेयरों में पैसे लगाते हैं उनको भी उम्मीद की एक नई किरण दिखाई देगी। बिजडा में आज इतना ही, विजय दीजिए, धन्यवाद, नमस्कार। बिजटेक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में तीन तरह के प्लान हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है, बिजटेक के यूट्यूब चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।